अभी जैसे टिमकेन इंडिया, टिमकेन TIMKEN, 2394 रुपए का शेयर है, आज करीब 5% की तेजी ऑलरेडी आ रही है। अगर बाइंग मेरी निचले लेवल पे है 2000 के आसपास की है तो मेरे लिए क्या राय बनती है, और अदरवाइज भी क्या कोई ट्रेड बनता है, क्योंकि तेजी अच्छी खासी दिख रही है पिछले हफ्ते भर से सर। या स्टॉक महीने की भर से। बात करूं तो स्टॉक एक मतलब कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड चैनल पैटर्न में चल रहा है उसका। मतलब 2019 का हम यहाँ पे अगर प्राइस देखते तो 490 रुपीज था, और आज का प्राइस देखते तो 2395 था। मतलब करीब करीब ये स्टॉक ने लास्ट 2 साल में करीब 350% का रिटर्न दिया है, और स्टॉक कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न में ही चल रहा है कंटिन्यूअसली। लास्ट 2 दिन पहले ही इसका 1958 का प्राइस चल रहा था, आज 2393 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। मतलब 2 दिन में स्टॉक ने 20% किया है। अगर किसी के पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो मैं बोलूंगा कि वो 2260 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए, 2260 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए, और ऊपर में फिर से 2450 से 2280 रुपये के लिए टारगेट के लिए इस पोजिशन को होल्ड रखे, बट स्टॉप लॉस को मेंटेन करे। क्योंकि 2 दिन पहले किसने गैप बना के गैप ऑफ ओपनिंग किया था, जो गैप था करीब करीब 7% का है। और टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा होता है कि अगर कोई स्टॉक गैप बना के क्लोजिंग देके, नेक्स्ट डे समझ लीजिए गैप बना के क्लोजिंग देता है और कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, तो कभी ना कभी तो गैप फिल करने के लिए वो नीचे आता है। तो आपको ये स्टॉप लॉस 2250 का मेंटेन करना है, क्योंकि 2250 जैसे ही लेवल ब्रेक मतलब डाउन साइड ही ब्रेक करेगा, नीचे फिर से ये 2000 रुपये के लेवल के लिए आ सकता है। तो अभी फिलहाल में बाय करें, और 2450-2500 रुपये के टारगेट के लिए टिमकेन को होल्ड करें। ये राय टिमकेन पे है, लेकिन वो भी ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से वो उसमें कुछ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो उस हिसाब से डिसिप्लिन स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिए।